So students, suppose we have two integers a and b. They are like integers, okay? Positive integers. Suppose हमारे पास दो positive integers हैं. So इसको कैसे subtract करते हैं? Suppose a से b को minus करना है. So here a को हम as it is लिखते हैं. And ये जो negative sign होता है, इसको students हमें positive में convert करना होता है. So हम minus है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? Plus कर देंगे. Now ये b जो है b का हम यहाँ पे additive inverse लिखते हैं. So b का additive inverse क्या होता है students? Minus b, है ना? b का additive inverse क्या है? Minus b. So हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? Minus b. So इस तरह से हम किसी दो integers को a में से b को minus करते हैं, ओके? Example के साथ समझते चलिए. Suppose a का value 5 है, a equals to 5 and b एक 6 integer है. अब 5 में से 6 को minus करना है, तो हम क्या करेंगे? 5 minus 6. So ये इसको कैसे convert करेंगे? 5 को हम as it is लिखते हैं. Now ये जो sign है negative, इसको हम positive में convert करते हैं, okay? So negative sign यहाँ पे positive में convert हो जाएगा. Now ये जो 6 है, 6 का हम यहाँ पे क्या करते हैं? Additive inverse लिखते हैं. So 6 का additive inverse क्या होगा? Minus 6 होगा. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? Minus 6, okay? So actually हमें subtraction को addition में change करना होता है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं students कि ये जो 5 है ये positive और ये जो 6 है negative है. तो जब अनलाइक साइन वाले दो इंटीजर्स होते हैं तो उनका क्या पता करना होता है? डिफरेंस हमें पता करना होता है ना? जब लाइक इंटीजर्स होते हैं तो प्लस करते हैं, माइनस माइनस दो इंटीजर है तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं. अनलाइक इंटीजर्स होते हैं तो क्या करते हैं? हम सबट्रैक्ट करते हैं, है ना? माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस होगा और प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस होगा. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्लस एक पॉजिटिव इंटीजर और यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर है. तो हमें क्या करना है? यहाँ पे इसका डिफरेंस लिखना होता है. सो 5 और 6 का डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट? 1 होगा. नाउ चूंकि 6 जो है एक बड़ा इंटीजर है, सो इसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारा 1 का साइन भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना? चलिए, नाउ अगर हमारे पास दो इंटीजर्स अनलाइक इंटीजर्स है, लाइक एक ए है और एक नेगेटिव भी है, ओके, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव भी, सो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ए में से बी को माइनस करते हैं नेगेटिव बी को. तो यहाँ पे क्या होता है? जब इस तरह से कंडीशन इस तरह कुछ इस तरह हो कि एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर हो, सो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स? ए को हम एज इट इज लिखते हैं और ये जो साइन है नेगेटिव का, इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं. एंड देन बी का हम एडिटिव इनवर्स लिखते हैं. ये नेगेटिव भी है, सो नेगेटिव बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? बी होगा. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी. सो ये इस तरह से ए प्लस बी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? ए माइनस नेगेटिव बी इक्वल्स टू ए प्लस बी में कन्वर्ट हो जाएगा. इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. सपोज ए का वैल्यू 6 है और ये नेगेटिव बी, यहाँ पे कोई नेगेटिव बी का वैल्यू है नेगेटिव 7, ओके. नाउ 6 में से अगर माइनस 7 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 6 को हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे एंड ये साइन क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा. नाउ ये नेगेटिव 7 है, नेगेटिव 7 का हम क्या करते हैं? एडिटिव इनवर्स लिखते हैं. सो नेगेटिव 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? पॉजिटिव 7. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 7. तो इस तरह से हमें क्या मिलता है? 6 माइनस नेगेटिव 7 इक्वल्स टू 6 प्लस 7. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों पॉजिटिव नंबर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? 13. ओके, सो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं. ओके, नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. ओके, सो लेट्स सी. प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. ओके, सो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है स्टूडेंट? पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, सो स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है? सपोज हमारे पास कोई टू इंटीजर्स है ए एंड बी. सो जब उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो भी क्या होता है? इंटीजर ही होता है. सपोज हमारे पास ए और बी दो इंटीजर्स हैं, तो जब हम इनको b को a में से माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, सपोज हमारा आंसर आया c, तो ये भी क्या होगा? एक एक ये भी क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा. ओके, सो हियर वी कैन राइट इफ a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स
बी दो इंटीजर है, सो ए माइनस बी क्या होगा, ऑलवेज एक इंटीजर होगा. फॉर एग्जाम्पल 5 एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर. अगर हम 5 माइनस 6 करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 5 प्लस नेगेटिव 6 इक्वल्स टू नेगेटिव 1. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स वो क्या है, एक इंटीजर ही है, नेगेटिव इंटीजर है ना. सो हमारे पास एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, नेगेटिव 6 है एंड एक नंबर है, एक इंटीजर है 5. सो हियर इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव 6 को एज इट इज लिखते हैं, ये साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे नेगेटिव 5, एडिटिव इनवर्स ऑफ 5. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 11, नेगेटिव 11. सो ये भी हमारा क्या है, एक इंटीजर है. सो रूल क्या, वही रूल कहता है, क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स देन ए माइनस बी इज ऑलवेज एन इंटीजर. सो हम यहाँ देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव 1, ये भी क्या है, एक इंटीजर है. यहाँ पे माइनस 6 माइनस 5 का आंसर क्या आ रहा है, माइनस 11. यहाँ पे भी क्या आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर है ना, वो भी एक इंटीजर ही है. तो वही तो रूल कहता है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स देन ए माइनस बी इज ऑलवेज एन इंटीजर. ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव. दूसरा प्रॉपर्टी क्या करता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव. सपोज हमारे पास कोई एक इंटीजर ए है और एक बी, सो ए माइनस बी जो होगा स्टूडेंट्स वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा. ओके, ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए नहीं होगा. हमने एडिशन में देखा था कि ए प्लस बी जो होता है वो बी प्लस ए के इक्वल होता है ना. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में हमने क्या देखा था कि ए प्लस बी जो होता है बी प्लस ए के इक्वल होता है. हम किसी भी सीक्वेंस में दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो उसका आंसर हमें सेम आता है ना. जैसे यहाँ पे देखा था हमने, सपोज हमारे पास 5 है प्लस 4 है, सो 4 प्लस 5 के इक्वल होता है, इधर भी 9 आएगा और इधर भी 9 आएगा. तो ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है ना. लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि a माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा. कैसे, चलिए देखते हैं एग्जांपल के साथ. सपोज हमारे पास एक नंबर है, एक इंटीजर है 5, a का वैल्यू 5 हो गया और 6 का वैल्यू हमने रख लिया, कोई भी नंबर ले लिया 7, राइट. सो 5 माइनस 7 जो होगा वो 7 माइनस 5 के इक्वल नहीं होगा, है ना, बोथ आर नॉट इक्वल. कैसे देखते हैं इसको. सो हमने थोड़ी देर पहले बताया कैसे इसको सॉल्व करते हैं. 5 को एज इट इज लिखा जाता है, माइनस साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है एंड जो बी होता है ये जो 7 है इसका क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स लिखते हैं, नेगेटिव 7. सो यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. तो 7 और 5 का जो डिफरेंस आएगा 2 आएगा, क्योंकि 7 बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर है, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा, सो माइनस 2. इसका आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, माइनस 2. लेकिन यहाँ पे अगर आप इसका डिफरेंस फाइंड आउट करते हो 7 माइनस 5 इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट, 2 होगा. सो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, बोथ आर नॉट इक्वल, है ना, नेगेटिव 2 और पॉजिटिव 2 दोनों इक्वल नहीं है. सो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए. चलिए अनदर एग्जांपल के साथ समझते हैं. सपोज हमारे पास एक नंबर है, इंटीजर है नेगेटिव 6, ओके, माइनस 5. सो ये इक्वल नहीं होगा 5 माइनस नेगेटिव 6 के. ओके, कैसे देखते हैं इसको. सो नेगेटिव 6 को एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये एडिटिव इनवर्स इसका नेगेटिव 5. सो दोनों लाइक इंटीजर से, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा. सो 6 5 11 इसका आंसर आएगा नेगेटिव 11. हियर हम क्या देख रहे हैं, 5 को 5 एज इट इज लिखते हैं और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. 5 और 6 कितना होगा, यहाँ पे 11 होगा. सो इधर आंसर आ रहा है 11 और इधर आ रहा है नेगेटिव 11, माइनस 11. सो बोथ आर नॉट इक्वल, है ना. सो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए. ओके, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज हमारे पास दो लाइक इंटीजर्स है, लाइक नेगेटिव 4 एंड नेगेटिव 3. अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं
ये किसके इक्वल नहीं होता है, नेगेटिव थ्री माइनस नेगेटिव फोर के, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। कैसे सॉल्व करके देखते हैं इसको। सो माइनस फोर एज इट इज पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा थ्री। सो इसका आंसर कितना आएगा, एक दोनों ऑनलाइन इंटीजर्स हैं तो इसका आंसर आएगा माइनस वन, राइट। इधर नेगेटिव थ्री एज इट इज और ये प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट, यहाँ हो जाएगा फोर। सो फोर ये दोनों क्या है, अनलाइन इंटीजर्स हैं। सो दोनों को यहाँ पर क्या पता करेंगे, डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे वन। सो इधर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, वन आ रहे हैं, माइनस वन और यहाँ पे वन आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, है ना। हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ओके, नाउ विल सी द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। सो स्टूडेंट्स, हमने एडिशन में क्या देखा था कि जो एडिशन होता है इंटीजर का वो एसोसिएटिव होता है, बट सब्ट्रैक्शन जो होता है वो एसोसिएटिव नहीं होता है। लाइक एग्जांपल के साथ समझते हैं, सपोज हमारे पास तीन इंटीजर्स हैं ए बी एंड सी। Okay? So, यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, है ना। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में क्या देखा था कि वो हमारे पास अगर तीन इंटीजर हैं, सो उसको किसी भी सीक्वेंस में ऐड करते हैं, है ना, तो वो इक्वल आता है, आंसर हमारा इक्वल आता है, चाहे हम a प्लस बी को पहले ऐड करें उसके बाद c को उसमें ऐड करें, या फिर एक ए को पहले बी बी और सी को ऐड करके उसको ए में ऐड कर दे तो भी हमारा आंसर इक्वल आता है, बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। ओके, चलिए देखते हैं एग्जांपल के साथ। सपोज ए का वैल्यू हो गया 5, बी का वैल्यू हो गया 3 एंड सी का वैल्यू हो गया 7 ले लेते हैं। सो 5 माइनस 3 माइनस 7 जो होगा वो किसके इक्वल नहीं होगा, 5 माइनस 3 माइनस 7 के इक्वल नहीं होगा। कैसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं पैरेंथेसिस, है ना। सो 5 माइनस 3 प्लस 2 2 होगा, नाउ माइनस 7, सो 2 प्लस माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 5। इसका आंसर क्या रहा है, माइनस 5। इधर देखते हैं सॉल्व करके, 5 को एज इट इज लिखेंगे, 5 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री प्लस माइनस 7, सो 5 माइनस यहाँ आएगा माइनस 4 इक्वल्स टू 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 11, राइट। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, ए माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 3 माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 5, बट 5 माइनस 3 माइनस 7 इक्वल्स टू 11 आ रहा है। सो ये दोनों क्या इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि a माइनस b माइनस c इज नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस c। ओके,